don't stop. रेखा L खींचा, L पर बिंदु O लेकर एक एक इंच के खंड खींचे, तो OA एक इंच का है, तो A पर लंब खींचा और उस लंब में से पुनः एक इंच काट लिया और कटान बिंदु को B से सूचित करते हैं। B को O से मिलाया, यहाँ OB रूट 2 के बराबर है और OB के बराबर चाप लेकर एक O को केंद्र मानते हुए एक चाप लेंगे जो संख्या रेखा को C पर काटता है और C बिंदु ही यहाँ प्रतिनिधि है रूट 2 का। इस प्रकार संख्या रेखा पर हमने रूट 2 को प्रदर्शित कर दिया। आप इसका अभ्यास जरूर करें।